भारतीय रेल के साथ केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर प्रगति के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। कश्मीर को जोड़ने वाली उत्तर रेलवे की परियोजनाओं को गति दी है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रगतिशील सोच ने, जिसके तहत साल 2009 से 2014 की तुलना में साल 2014 से 2020 के दौरान जम्मू कश्मीर रेल परियोजनाओं के सालाना बजट में औसतन 124% की बढ़ोतरी, जहां 2014 तक इस क्षेत्र में विद्युतीकरण का कार्य शून्य रहा, वहीं 2014 से 2020 के बीच 178 किलोमीटर मार्ग का विद्युतीकरण किया गया। पिछले 6 साल में उत्तर रेलवे ने उधमपुर से कटड़ा रेल मार्ग पूरा किया, जिससे अब तीर्थ यात्री रेल द्वारा सीधे वैष्णो देवी के द्वार तक पहुंच रहे हैं। इस मार्ग पर 15 किलोमीटर के सेक्शन का दोहरीकरण भी किया जा चुका है। आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 120 करोड़ की लागत से बाड़ी ब्राह्मणा में माल भाड़ा टर्मिनस का विकास किया जा रहा है। वहीं जम्मू तवी स्टेशन के दूसरे प्रवेश द्वार और कोच अनुरक्षण टर्मिनल का विकास भी किया गया है। अब कटरा तक संचालित हो चुके रेल मार्ग पर कनेक्टिविटी और लग्जरी ट्रेन की सुविधा भी बढ़ाई गई है। इनमें दिल्ली कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस सेवा शामिल है, जो यात्रियों को त्वरित और आरामदेह यात्रा की सुविधा उपलब्ध करा रही है। पिछले 6 साल में भारतीय रेल ने इस क्षेत्र में श्रद्धालुओं और अन्य यात्रियों की सुविधाओं में अभूतपूर्व बढ़ोतरी की है। प्रगति के पथ से परंपराओं को जोड़ रही है राष्ट्र की जीवन रेखा भारतीय रेल।